हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को पत्र लिखने का तरीका बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रार्थना पत्र जो है 4 नंबर का लिखने के लिए आएगा, ठीक है। जो तरीका बताएंगे इसी तरीका से यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न जैसे पूछेगा कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। देखिए, आकस्मिक मतलब होता है अचानक आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो उस समय अपने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे। और यही फ्रेंड्स पेपर में आने वाला है, तो इसको ध्यान से फ्रेंड्स देखिए, जैसे बताएंगे उसी प्रकार से लिखिएगा। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे लिखिएगा आप सेवा में। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा सेवा में, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप कामा दीजिएगा ऐसे और लाइन छोड़ लीजिएगा। लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा श्रीमान, ठीक है। जब भी प्रार्थना पत्र लिखना रहेगा तो इसी प्रकार से आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य ना चार, ठीक है। इस तरह लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप कामा करके इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिख लेते हैं KP, ठीक है, इंटर कॉलेज। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने कॉलेज का, ठीक है। अब यहाँ पे कामा देने के बाद फ्रेंड्स लिख दीजिएगा, जैसे आप गाजीपुर सिटी के हैं तो यहाँ पे हम गाजीपुर लिख देते हैं। अब जिस सिटी के होंगे उसका नाम यहाँ पे शहर का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गाजीपुर लिखने के बाद अब क्या करना है। अब इसके बाद देखिए सेवा में जहाँ पर लिखे यहाँ से लिखिएगा आप महोदय, क्या लिखेंगे महोदय, या यहाँ पे विषय लिख सकते हैं। देखिए कैसे विषय लिखेंगे, यहाँ से लिखिएगा विषय। विषय मतलब किस पे आपको पत्र लिखना है ना। देखिए किस पे लिखना है, ये जो यहाँ पे आकस्मिक अवकाश है तू, ठीक है, यहाँ पे यही लिखना है आकस्मिक अवकाश काश हेतु पत्र, ठीक है। आकस्मिक अवकाश हेतु क्या है, पत्र लिखना है आपको ना, ये विषय है आकस्मिक अवकाश हेतु। अब देखिए फ्रेंड्स आपको लिखना है, तो देखिए पहले यहाँ से इसी लाइन में यहाँ से लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे महोदय। जैसे ही महोदय लिखेंगे यहाँ कामा दीजिएगा, लाइन छोड़ दीजिएगा। लाइन छोड़ने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि आज, मतलब जो आपके साथ दुर्घटना हुई रहेगी उसको लिख लीजिएगा। देखिए जैसे बता रहे हैं इसी तरह लिखना है, आज कॉलेज आते समय, ठीक है, मेडिकल चौराहे पर। चलिए यहाँ मेडिकल आप कोई भी लिख सकते हैं जो दुर्घटना आपके साथ में होगा फ्रेंड्स ना, तो मेडिकल चौराहा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, जहाँ से बता रहे। देखिए यहाँ से महोदय लिखे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेडिकल चौराहा पर मेरी साइकिल स्कूटर, ठीक है, स्कूटर से भिड़ गई। यहाँ पे देखिए वाक्य कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके आगे लिखिए मेरे, ठीक है, जब साइकिल से गिरेंगे तो आपको कोई चोट उठ लगेगा तो लिखिएगा मेरे दोनों, ठीक है, मेरे दोनों पैरों और हाथों पर चोट लग गई है, ठीक। इतना लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखे यद्यपि प्राथमिक उपचार, ठीक है, प्राथमिक उपचार लिखेंगे करा लिया है,
देखिए वाक्य कंप्लीट नहीं होती, यहीं से शुरू कीजिएगा। करा लिया है, ठीक है, कामा परंतु, यहाँ लिखिएगा परंतु, ठीक है, परंतु लिखिएगा, दर्द के कारण, दर्द के कारण कच्छ में पढ़ने, ठीक है, मैं असमर्थ हूँ, ठीक है। लेकिन वाक्य कंप्लीट नहीं थे, यहाँ से लिखे असमर्थ मर्थ, फुल स्टॉप कर देख, ठीक है। अतः देखिए अब आपको लिखना है ना, अब लाइन छोड़ के लिखिएगा। देखिए कहाँ से लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे असमर्थ हूँ, अब यहाँ से लिखिएगा अतः, यहाँ से, ठीक है, जब सही लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ से लिखिएगा अतः आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन, चाहे 2 दिन 4 दिन, ज्यादा दिन का छुट्टी चाहे उतना दिन लिख दीजिए, 2 दिन ना, चलिए 2 दिन के लिख लिए, 2 दिन का। देखिए अब तारीख डाल दीजिए, मान लीजिए आज कौन सा तारीख है आपका, तो मान लीजिए आप आज का तारीख या कोई भी तारीख आप डाल सकते हैं, मान लीजिए 17 डाल देते हैं, 17 व 18, 2 दिन ना, 17 व 18, ठीक है, इस तरह लिखिए 17 18 अक्टूबर, क्या लिखेंगे अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का महीना रहेगा तो अक्टूबर लिखे, जो तारीख रहेगा वही तारीख लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर 2023, ठीक है, 2 दिन, इतना तारीख को चाहिए, हो गया कंप्लीट। आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 17 18 अक्टूबर 2023 छुट्टी, चलिए लिख देते हैं छुट्टी या आकस्मिक अवकाश ना, छुट्टी चाहिए, ठीक है, यहाँ आप कंप्लीट हुआ, छुट्टी चाहिए लिख लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखने, आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन 17 18 अक्टूबर 2023 को छुट्टी चाहिए, तो फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका आज्ञा कार्य, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा लाइन छोड़ के आप का आज्ञाकारी शिष्य, क्या लिखेंगे शिष्य, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आपको पता होगा नाम नहीं लिखना रहता, तो यहाँ पर लिख दीजिए यक्स वाई जेड, यहाँ पे आप कक्षा लिख सकते हैं, ठीक है, किस कक्षा के आप हैं, कक्षा कौन सा है, 10 है ना, यहाँ पे आप 10 लिख लीजिएगा इस तरह, 10, ठीक है, कक्षा 10 हो गया, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है, अब जो दिनांक रहेगा वो दिनांक यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे दिनांक लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको आकस्मिक अवकाश या किसी प्रकार की, चाहे बीमारी पे हो चाहे किसी चीज़ पे हो, यदि आपको प्रधानाचार्य है, ठीक है, तो पत्र लिखना है, तो आपको देखिए ये पैराग्राफ बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेवा लिखिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पे महोदय तक याद है, फिर सविनय निवेदन है कि यहाँ पैराग्राफ, ये जितना पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ सही होना चाहिए। इसके अलावा जो आप बीमारी के कारण नहीं आ रहे हैं या दुर्घटना हो गया आपके साथ या कोई कारण है आपका, तो यहाँ पे उसके बारे में 2-3-4 लाइन लिख सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें या छुट्टी चाहिए, इस तरह। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ जानते रहिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य एक्स वाई जेड कक्षा 10 यहाँ पर देना। तो पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये पैराग्राफ आप ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आप पैराग्राफ पूरा ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में आप जो कारण होगा वो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र यदि आप लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको टोटल 4 नंबर का इस साल आने वाला है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान दे के इसको जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर आपका पक्का हो सके। और जैसे बताएं इसी प्रकार से आप लिखते हैं तो आप 1 नंबर भी फ्रेंड्स वो एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।